आपका क्वेश्चन है क्या है, प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इन द स्ट्रेट लाइन। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो सबसे पहले तो हम इसका फिगर बनाते हैं कि इसने क्या कहा। तो हमारे पास में दो लाइन है, ठीक है। तो ये दो लाइनें हमारी, इसको हम पहले नेम कर देते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं क्या है। ए, दिस इज बी, हियर इट इज सी, और ये हमारा हो गया डी, और ये जो मिड पॉइंट है दिस इज अवर ओ, जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इस क्वेश्चन में इसने क्या कहा कि पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को जो बाइसेक्ट करेगा दे आर इन स्ट्रेट लाइंस। दैट मीन्स अगर इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से हैं हमारे, एक तो ये वाला है, ये दो एंगल्स या ये दो एंगल्स इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन शुड बी लाइक दिस। ठीक है, नाउ इसको भी हम नेम कर देते हैं, दिस इज अवर ई एंड एफ। नाउ जो इसमें है वो हम अब लिखते हैं, और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो आपका क्या है, ये बी ओ डी, तो एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ ए। सी ओ ए क्या है हमारी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, नाउ अगर इसका बाइसेक्टर्स कैसे है हमारे, जस्ट यू हैव टू सी दैट कि इसने दे रखा है कि दिस इज द बाइसेक्टर, तो इसका बाइसेक्टर मींस दिस वन इज दे बोथ लाइज इन अ सेम लाइन। तो हम करेंगे क्या, जस्ट आपको क्या प्रूव करना है अभी, जस्ट टेक हाफ, जस्ट टेक हाफ। तो आपका क्या हो जाएगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज अ लीनियर पेयर, दैट इज अवर क्या है आपका F O B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी नॉट इक्वल टू, प्लस एंगल B O E इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, दैट इज योर लीनियर पेयर। ठीक है, नाउ इन BOE, BOE के अंदर आपका क्या क्या है, आपका ये एंगल है एंड ये एंगल है, ठीक है। नाउ तो हम क्या करेंगे, BOC इसके अंदर हमारा क्या है, एंगल BOC प्लस एंगल COE, दो एंगल्स हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा कैसा बनेगा, जस्ट यू हैव टू सी दैट। तो हमारा हो जाएगा F O B प्लस एंगल B O C प्लस एंगल C O E इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। नाउ अब हमने क्या करना है, जस्ट यू हैव टू टेक दिस वन, ये वाला एंगल लेंगे एंड ये वाला एंगल लेंगे, तो हमारा क्या आएगा, हमारा आ जाएगा ई ओ सी एंगल ई ओ सी प्लस एंगल सी ओ एफ इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, दैट इज योर लीनियर पेयर। ठीक है, नाउ इन सी ओ एफ,
COF में आपका क्या है, COF के अंदर आपके ये दो एंगल्स हैं, दैट इज COB, COF के अंदर आपके क्या है एंगल COB प्लस एंगल BOF, ये दो एंगल है। अब इसको हम इसकी जगह पे पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, EOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOF इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, नाउ अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये वाला और ये वाला, तो इसके अंदर कुछ चीज कॉमन है, क्या है हमारा, कुछ चीज कॉमन है, दैट मीन्स ऑल पैरामीटर्स आर कॉमन इन दैट, दैट मीन्स अगर आप इसको लीनियर पेयर बना रहे हैं तो दिस एंगल और यू आर टेकिंग दिस एंगल, तो भी आपका ये दोनों क्या होगा 180 डिग्रीज, दैट मीन्स 180 डिग्रीज किसका होता है हमारा, इट्स इन व्हेन इट इज इन स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर क्या होगा आपका, देयरफॉर आपका क्या है EOF, EOF इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है,